कैसरे रूम के दरबार में ना एक बड़ी मशहूर रवायत है कि जब उसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबुवत के बारे में इत्तला पहुंची तो उसने कहा यहाँ कोई सरदार होना है ले अरब का तो लाओ, तो अबू सुफियान को ले गए। तो अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे, कहते मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसी बात बताऊं कि माज़अल्लाह इनका ज़हन बिगड़े। अबू सुफियान कहते मैंने बादशाह से कहा, मैंने कहा बादशाह एक अजीब बात बताऊं तुम्हें? ना बताओ। कहने लगे उन्होंने एक अजीब दावा किया है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, फिर सातों आसमानों सातों ज़मीनों लौ कुर्सी और सब को देख आया हूँ। अब उस दौर में ना जो बंदा ऊँट की सवारी पर या घोड़े की सवारी पर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना चाहता था उसे 2 महीने लगते थे। और यहाँ कुरान कहता है लैलन, पूरी रात नहीं रात का भी थोड़ा सा हिस्सा। तो आप ये बात मानते हैं? वो कैसरे रूम चुप कर गया। बात बड़ी मुश्किल थी कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अक्सा जाना आना यही बड़ा मुश्किल था, और फिर आगे की बात तो वैसे ही वराउल वरा है। वो अभी चुप किया ही था कि उसके पीछे ना एक राहब बैठा था इबादत गुजार जो मस्जिद अक्सा में इबादत करता था। वो कहने लगा बादशाह ठहर जा ठहर जा, मुझे एक बात याद आई है। कहा जनाब सुनाइए। तो वो कहने लगा एक रात मैं रात को मस्जिद अक्सा के सारे दरवाजे बंद कर रहा था, मेन गेट में बंद करने लगा तो मुझसे बंद नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन बंद ही नहीं होता था, और भी बाकी लोगों को बुलाया जद्दोजहद की बंद नहीं होता था। फिर मैंने भड़ाई को बुलाया मिस्त्रियों को बुलाया, मैंने कहा ये क्या हो गया है? तो वो कहने लगे छत थोड़ी नीचे आ गई है, दरवाज़ा दब गया है, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। कहते मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के चला गया, लेकिन जब मैं सुबह आया ना तो खुशबू ऐसी अनोखी थी कि वो ना दिल और दिमाग को मुअत्तर करती चली जा रही थी। रंग ढंग ना दो, थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला। एवी दो घड़ियां मेरे मन में रुकिया है, थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, एवी दो घड़ियां मेरे मन में रुकिया है, एवी दो घड़ियां मेरे मन में रुकिया है। तो कर गया नूर उजाला, निरा उजाला नहीं नूर उजाला। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, दो घड़ियां मेरे मन में रुके है ते कर गया नूर उजाला। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। कहा इतनी खुशबू, इतना अनोखा अंदाज। और फिर मैंने अचानक नजर की तो मुझे ना वहां जानवर के बंधने के आसार भी नजर आए। और फिर जब मैं अंदर गया तो मैं वो रानाई बता नहीं सकता बादशाह क्या थी। और हाल ये था कि अब मैंने दरवाज़ा बंद किया है ना तो दरवाज़ा भी आराम से बंद हो गया। वो गड़बड़ नहीं था, वो किसी रोकने वाले ने रोका था। वो क्यों रुका था? हमारे सूफिया कहते हैं आपको पता है कि 18,000 साल का सफ़र नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तय किया, लेकिन जब हुजूर तशरीफ ले गए तो पानी चल रहा था तो चलता रहा, कुंडी हिल रही थी तो हिलती रही, बिस्तर गर्म था तो गर्म रहा, और कायनात सारी की सारी रुक भला क्यों गई? वो कहते इसलिए कि नबी पाक जान है इस कायनात की, और जब जान निकल गई तो दुनिया का निजाम रुक गया, और जब जान और रूह वापस आई तो फिर निजाम दोबारा से चलने लगा। आला हज़रत फाजले बरेलवी कहते जान है वो जहान की, और अगली बात उससे भी निराली है, कहते हैं जान है वो आज जहान है ना, इसका मतलब है जान भी है, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है। कहते हैं जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, अगर जान है तो जहान है। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नाम बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अजीज दोस्तों वो कहने लगा, शख्स कहने लगा मैंने वो रात सारी देखी है, ये जो कह रहे हैं ना वो मस्जिद अक्सा आए थे बादशाह, मुझे कसम है अल्लाह की वो आए थे, वो दो कड़ियां मेरे मन में रुके हैं, वो कर गए नूर उजाला।
अबू सुफियान कहते हैं जिस बात पर मैं उन्हें गड़बड़ करना चाहता था उनकी तस्दीक तो बगल से निकल आई।